सहारनपुर से मुजफ्फरनगर लाई जा रही अवैध शराब पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 33 लाख रुपए की कीमत की करीब 1100 पेटियां आबकारी विभाग ने जब्त की। वहीं बताया जा रहा है कि सहारनपुर से मुजफ्फरनगर होते हुए यह अवैध शराब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली गोरखपुर ले जाई जा रही थी। आबकारी विभाग ने एक ट्रक सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों लोगों से पूछताछ जारी है। हमें आज सुबह मुखबिरी हो गई थी, सुबह 7 बजे से हमें मुखबिरी थी कि एक ट्रक आ रहा है शराब से लदी हुई। तो हम लोगों ने एक टीम गठित की और हमारे मुजफ्फरनगर की हमारे चारों इंस्पेक्टर हैं, हमने एक टीम बनाई और हमने स्ट्रेटेजी बनाई कि उसको पकड़ने की हमने फील्डिंग की थी। तो हमें ये सूचना थी कि ये सहारनपुर के रूट से आते हुए गोरखपुर जाना है उसको, तो मलीरा के आसपास हमने इसको पकड़ा है। कीमत करीब 33 लाख, हजार पेटी इसमें क्रेजी रोमियो की हैं पौवे के फॉर्म में और 100 पेटी हैं ब्लू मोड की। अभी तफ्तीश जा रही है, इनसे पूछताछ जारी है, अभी तो हमारे पूछा जाएगा। इनको खुद पता नहीं है कि इनको पास ट्रक को पहुंचाने के लिए इनको निर्देश हुए थे, इनको कुछ ज्यादा जानकारी नहीं। इनको बताया गया था कि इसमें अंडे हैं और आपको पहुंचाना है, इनको ज्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि मैं इनसे पता, इनका कहना यही है।